कांग्रेस पार्टी तो ऐसे बात कर रही है जैसे मोहम्मद समी और विराट कोहली कांग्रेस पार्टी के सांसद हो और उन्होंने मैच जिताया हो। मोहम्मद समी को कांग्रेसियों ने ट्रोल किया ताकि भारत की जीत पर जश्न मनाने वालों से ध्यान भटकाया जाए। कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं बचा तो समी के मुसलमान होने का कार्ड खेल लिया। यह गिरोह बड़ा चालाक है। जब आप हमास के आतंकवादियों के समर्थन के लिए इरफान पठान की आलोचना करेंगे तो ये कहेंगे कि वो मुस्लिम है इसलिए निशाना बनाया जा रहा। जब आप अच्छे प्रदर्शन के लिए मोहम्मद समी की तारीफ करेंगे तो ये कहेंगे कि हमारे मुसलमान को नहीं चाहिए तुम्हारा समर्थन। जान लो हम हिंदुओं का चरित्र यही रहा है, जो देश के लिए काम करेगा उसका जाति धर्म जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, हम उसे पलक पावड़ों पर बिठाते हैं। जब कोई देश के खिलाफ काम करेगा तो वो कोई भी जाति मजहब का हो उसका इलाज किया जाएगा। इसलिए यह मत पूछो कि तुम लोग मुसलमानों की तारीफ क्यों कर रहे हो। जिसने देश के लिए काम किया हम हमेशा उसके समर्थन में हैं। और हाँ, तुम रोहित शर्मा को सिर्फ इसलिए गाली देते थे क्योंकि वो ब्राह्मण है, खुद को सुधारो। वर्ल्ड कप मैच के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की शानदार जीत में तेज गेंदबाज मोहम्मद समी की शानदार गेंदबाजी ने सबका दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर मोहम्मद समी के समर्थन में हजारों पोस्ट हो रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने जो किया उससे पूरा देश हैरान हो गया है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने उस वक्त की याद दिलाई है जब 2021 के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हार के बाद लोगों ने मोहम्मद समी को ट्रोल किया था। एक्स पर एक पोस्ट कर बुरी तरह बौखलाए श्रीनिवास ने कहा, तब केवल राहुल गांधी ही समी के साथ खड़े थे जब लोग हिंदू मुस्लिम का ड्रग लेने वालों ने मोहम्मद समी के खिलाफ मोर्चा खोला था। श्रीनिवास ने राहुल गांधी के 2021 के ट्वीट का स्क्रीनशॉट साझा किया जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने लिखा था, मोहम्मद समी हम सब आपके साथ हैं, ये लोग नफरत से भरे हुए हैं क्योंकि कोई उन्हें प्यार नहीं देता, उन्हें माफ कर दीजिए। बुधवार को विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के साथ विकेट लेकर इतिहास रचने के बाद मोहम्मद समी का समर्थन करने वाला राहुल गांधी का 2021 का ट्वीट वायरल है। वर्ल्ड कप 2023 के पहले सेमीफाइनल मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को रोमांचक मुकाबले में 70 रनों से हरा दिया। भारत ने न्यूजीलैंड को 398 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 78.5 ओवर में 327 रन पर ऑल आउट हो गई। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड को शुरुआती झटके देने के बाद मोहम्मद समी 7 विकेट लिए जिससे भारत की जीत सुनिश्चित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत की जीत के बाद अपने बधाई संदेश में समी के प्रदर्शन का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, आज का सेमीफाइनल शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन की वजह से और खास हो गया है। इस खेल में और विश्व कप में मोहम्मद समी की गेंदबाजी को लोग याद रखेंगे, अच्छा खेला समी। राहुल गांधी ने लिखा, मैन ऑफ द मैच मोहम्मद समी की शानदार गेंदबाजी, उनके लगातार मैच जीतने वाले प्रदर्शन ने उन्हें इस विश्व कप में एक जबरदस्त खिलाड़ी बना दिया है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।